अमृतसर थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी वालों काफ़ी उपराले किए जाते हैं, जिस विच मेन मुद्दा थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों वास्ते जागरूक कैंप होंदा है। अजिहा कैंप 14 अक्टूबर नु मंदिर शिवाला बागपाइया के नज़दीक लगाया गया। इस कैंप विच थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों वास्ते HLA टेस्ट की सैंपलिंग की गई, जो कि बच्चों के मापिया को ले गए। इस मौके जयपुर तो डॉक्टर की एक स्पेशल टीम आई हुई सी, जिन्होंने ये सैंपलिंग की, जिस विच 40 तो 45 सैंपल ले गए। जयपुर की टीम हैड डॉक्टर राजप्रीत सोनी ने जानकारी सांझी की थी। थैलेसीमिया सोसाइटी वालों सतनाम सिंह, रजेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार, अजय पल्ला, संगीता, जतेंद्र समेत सोसाइटी के समूह मैंबर्स मौजूद सन। जड़ा ऑर्गनाइजेशन है थैलेसीमिया के बच्चों वास्ते इलाज करने लिए हैगी। थैलेसीमिया के बच्चे का इलाज होंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट वास्ते HLA मैचिंग होती है, जिसे असी डोनर ढूंढने हाँ। तो डोनर वास्ते HLA मैचिंग करने लिए एक कैंप लग्या होगा। अमृतसर थैलेसीमिया सोसाइटी के नाल असी मिल के एक कैंप करते हाँ। इस कैंप में असी सारे बच्चों का जरा परिवार के बच्चों का सैंपल लैके और वो टेस्टिंग करने हैं, तो वो सानू डोनर का पता चलता है कि डोनर कौन है। तो जो डोनर असी आइडेंटिफाई करके उन्होंने फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाता है तो बच्चा उम्र भर थैलेसीमिया तो फ्री हो जाता है। उन्होंने फिर अपनी लाइफ कभी भी थैलेसीमिया दा करके ब्लड चढ़ाने की लोड़ नहीं होएगी। एदी सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 90% हैगी। तो डोनर होंगे माँ प्यो या फिर बच्चे उसी फैमिली दे। इस कैंप हुण इस नाल असी यह भी इन्हों कहते हैं कि अगे उन्होंने घर कोई थैलेसीमिया बच्चा पैदा नहीं होए तो उस वास्ते उन्होंने जो मदर प्रैगनेंट होंगी है तो CBS वास्ते, तो होर जो भैन भरा है मदर और फादर के, उन्होंने एक सिंपल ब्लड टेस्ट करना होंगे जिसनों असी HPLC कहने, तो उन्होंने अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता चल जाए। तो जो जे कैरियर है उन्होंने विआह आपस ना कर गए, जे करना भी पैंता है तो प्रैगनेंसी के 11th वीक अपनी CBS की जाँच करा के यह पता कर लैन कि बच्चा जड़ा है थैलेसीमिया मेजर है, माइनर है या नॉर्मल है। तो साड़ा एम यह हैगा कि जितने थैलेसीमिया बच्चे उन्होंने असी ट्रीट कर सके तो होर थैलेसीमी बच्चे पैदा नहीं हो, और जोड़े बच्चे है वो अपना हीमोग्लोबिन 10 रखन तो फेरेटिन का लैवल घट रखन, यह हूँ सारी इच्छा है। होर जो बच्चे आते हैं भविष्य में तो थैलेसीमिया सोसाइटी अमृतसर में वो लोग संपर्क करके अपना HLA का सैंपल दे सकते हैं इलाज वास्ते। एक इतने बहुत वड्डा ही अज उपराला वाहेगुरु की मेहर ने किया कि जोड़े बच्चे साढ़े को थैलेसीमिया मेजर, उन्हां बच्चों के अगे असी जिहड़े भैन भरा ने उन्हां दे वास्ते असी एक HLA टेस्ट फ्री ऑफ कोस्ट ही रख्या, जिहड़ा कि बाजार दे विच बहुत कोस्टली है। तो कोई भी थैलेसीमिया पेरेंट्स इन्नियां क प्रॉब्लमां दे विचों लंघदा पिया कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। असी ये डॉक्टर सोनी जी ने जिस तरह दस्या कि यही जिहड़ा यही उन्हां दी टीम नूं उत्थों जयपुर तो अं स्पैशली इतने मंगा के इन्हां थैलेसीमिया बच्चों वास्ते HLA फ्री करा रहे हैं, ता कि अगों जड़ा वै इन्हां बच्चों नूं जड़ा 15 दिन बाद पेनफुल ब्लड जड़ा इन्हां नूं ट्रांसफ्यूशन होंदा है वार्ड दे विच ओ ना चढ़न चढ़ाया जाए। जे इन्हां बच्चों का एक अपने भैन भरा दे नाल HLA मैच हो जाता है तो इन्हां बच्चों नूं सारी उम्र कोई भी इन्हों ब्लड नहीं चढ़ाया जाएगा। अही यो ही वाहेगुरु अगे अरदास करते हैं कि जिहड़े बच्चे साढ़े को इत्थे पेरेंट्स नाल पहुँचे ने कि उन्हां दा रब अगे अरदास है कि उन्हां दा मैच हो जाए तो वह अपने सक्सेसफुली लाइफ जीन। अमृतसर थैलेसीमिया सोसाइटी थैलेसीमिया बच्चों वास्ते काफ़ी उपराले करती रहती है और असं भी तकरीबन इन्हों कवर करते हैं। वेकन में आया है कि जयपुर तो एक स्पेशल टीम आई है जी कि HLA टेस्टिंग वास्ते आए हैं, जो कि बोन मैरो का एक टेस्ट होंगे है जिसे यह पता लगता है कि बच्चे कि डोनर है वो मैच करेगा, ताकि अगे आने वाले टाइम उन्होंने बार बार हर 15 दिन या 20 दिन बाद खून ना चढ़ाया जाए। थैलेसीमिया वास्ते काफ़ी सोसाइटीज़ होर भी काम कर रही हैं और थैलेसीमिया एक ऐसी जी बीमारी है जिसे कि बच्चा बाय बर्थ ग्रस्त होता है, खून नहीं बनता और हर 15 दिन या 20 दिन के गैप के उत्ते पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है। उम्मीद करते हैं और रब अगर अरदास करते हैं कि आने वाले समय में बच्चे जोड़े है थैलेसीमिया पेशेंट्स ना हो, क्योंकि उन्होंने वास्ते भी एक टेस्ट आता है प्रैगनेंट मदर्स वास्ते, जो वो करा लैन तो बच्चे की जिंदगी बच सकती है। कैमरा परसन राकेश नाल JP सिंह, फास्ट न्यूज़, अमृतसर।